नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं वीप लाइव और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प में। और आज जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो हैं सरवन निषाद, जो कि इस वक्त विधायक हैं चौरी चौरा सीट से। इसके साथ ही साथ निषाद पार्टी के ये इस वक्त प्रभारी भी हैं। निषाद पार्टी को बढ़ाने का पूरा एक तरीके से कारोबार इन्हीं के कंधों पर है, जो कि इनके पिता डॉक्टर संजय निषाद ने रखा हुआ है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। सरवन जी, अभी तो आप विधायक हो चुके हैं और पार्टी की भी जिम्मेदारी अलग अलग सब पर बात करते हैं। 2024 आने वाला है, अगर चौरी चौरा के विधायक के तौर पर बात की जाए, सरवन निषाद क्या संकल्प कर रहे हैं अपनी विधायक अपने जो क्षेत्र की जनता के लिए? मैं तो अपने आप को विधायक कम मानता हूँ। जनता मुझे एक नाम दी है, वहाँ का बेटा, वहाँ का सेवक जो है, और मेरा फेसबुक व्हाट्सअप सोशल मीडिया से लेके जो है आप पता कर सकते हैं, ग्राउंड लेवल पे जो है हमारे विधानसभा से लेके गोरखपुर में जो काम हमारी निषाद पार्टी गरीबों शोषितों वंचितों मजदूरों नौजवानों के लिए कर रही है दिन रात 24 घंटे जो है, इसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है कि वही किसान मजदूर गरीब जिनको कोई पूछने वाला नहीं था उनको निषाद पार्टी ने पूछा और उन लोगों ने निषाद पार्टी का झंडा उठाया। और देखिए, आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत के कई ऐसे राज्यों में आज निषाद पार्टी का पंचम लहरा रहा है जो है, आज उसी की देन है। निषाद पार्टी पर फिर से आएंगे, अभी चौरी चौरा की जनता, चौरी चौरा की जनता के लिए क्या खास और क्या संकल्प आप ले रहे हैं? आपके क्षेत्र की जनता को क्या नया मिलने वाला 2024 में, क्या सेवाएं आप उनकी 2024 में करने वाले? पुराने पिछली सरकारों से लेके अब तक उसमें देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में बहुत सारे कार्य योजना का लोकार्पण हुआ, विकास हुआ। आज उनकी धरातल पे अगर आप जाएंगे तो आज देखिए, उनसे खुद पूछिए, बच्चों बच्चों के जुबान पे अगर कोई नाम आता है तो योगी मोदी डॉक्टर संजय कुमार निषाद नाम आता है। अच्छा। तो आज उसी विकास की देन है। आज जो भी धरातल पे काम चला, चाहे हमारी चौरी चौरा ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में भी देख लीजिए, जो काम आज भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी और एनडीए के घटक दल कर रहे हैं, जो आज की तारीख में जमीनी स्तर पे अगर हकीकत में जाने तो ये काम विपक्ष के लोगों को करना चाहिए, जो आज के तारीख में हर आधे घंटे एक एक घंटे पे भारतीय जनता पार्टी निषाद पार्टी और एनडीए की जो टीम लगी हुई कार्यक्रम लगातार लगे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत, कई डेली रेगुलर कार्यक्रम। अब विपक्ष देखिए कहीं गायब है, मनोबल उनका हमेशा डाउन, पहले की तरह अब और डाउन हो चुका है कि अब अधर में फंसे हुए हैं कि हम करें क्या करें, क्योंकि जनता धीरे धीरे उन्हें निकाल रही है, तो धीरे धीरे वो सुनने पे आने वाले हैं। और एक बार पुनः जो है, जो कहते हैं रावण राज खत्म होगा तो एक बार पुनः राम श्री राम की स्थापना होगी और पूरे देश नहीं विदेशों में डंका बजेगा, उसकी शुरुआत हो चुकी है, जो आए दिन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, और अगर निषाद पार्टी की बात की जाए, निषाद पार्टी को 2013 में स्थापना हुई जी, नहीं 2016 में इसकी स्थापना हुई, मगर इसका संकल्प लिया गया 2013 में। अच्छा, संकल्प जनवरी पूरा हुए 10 साल, ये 11वां साल, 11वां संकल्प दिवस मनाया जा रहा है। उसके बाद पार्टी की स्थापना हुए 8 साल हुआ। तो कहां आप इस पार्टी को ले जाना चाहते हैं 2024 में, किस तरीके से पार्टी का एक तरीके से उसको बढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं 2024 के लिए? नहीं देखिए, जनता के हितों में हमारा मानना है, किसी जमाने में अगर भारत देश का नाम सोने की चिड़िया लिया जाता था और दुनिया में विश्व गुरु के नाम से जाना जाता था, जिसकी कल्पना विपक्ष की पार्टियां कई लोग आए मगर कभी इस बारे में सोचा नहीं, अगर किसी ने सोचने का काम किया तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सोचने का काम किया, और वो भी नहीं, हमारी पार्टी का भी संकल्प है, उन्होंने भी संकल्प लिया कि आज अगर कभी किसी जमाने में इस देश का नाम जो है सोने की चिड़िया हुआ करती थी, विश्व गुरु हुआ करता था, तो उसके लिए हम लोगों को धरातल पे काम करके जो है उन्हें इस देश को जो है सोने की चिड़िया बनाना होगा, उन्हें विश्व गुरु बनना होगा। अभी देखिए, हाल ही में जो है कई इन्वेस्टर आए हैं पूरे भारत में, कई देशों से आए लोग जो है, और इस भारत देश से भी कई लोग विदेश में गए भी जो है, तो काफी चीज परिवर्तन देखने को मिल रहा है, जो ये साबित करता है कि आने वाले समय में भारत एक बार पूरे विश्व गुरु बन के रहेगा। जो निषाद पार्टी कैसे बढ़ेगी 2024? हम लोग तो इतिहास हम लोगों का रहा है कि हम लोग नाय के माध्यम से पार कराने वाले लोग हैं, हमें जब जब भी अवसर मिला है हम लोग 2017 से लेके 18 से लेके 19 तक 22 तक देखिए बेड़ा पार करते आ रहे हैं सबको। तो मतलब एनडीए का बेड़ा पार आप ही लोग कर रहे हैं? पूर्ण रूप से जो है, जो जिसका रियल भी धरातल पे आपको देखने को मिल रहा है, एक नई उम्मीद है कि अगर निषाद पार्टी, भगवान राम और श्री राम निषाद राज का त्रेता युग में मिलन हुआ था, तो रावण राज खत्म हुआ था, तो धीरे धीरे देखिए मिलन का असर है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश से भी रावण राज खत्म हो रहा है।
तो अभी धीरे धीरे हो रहा है या हो चुका है? नहीं, अब तो धरातल में मैंने कहा नहीं, अब तो समय आ चुका है सुनने पे जाने की इन लोगों की स्थिति, क्योंकि इनके कार्यकर्ताओं का खुद मनोबल डाउन हो चुका है कि हमारे नेता फिर किस मुकाम पे हैं, क्या कर रहे हैं, वो खुद ही अधर में फंसे हुए हैं। 80 में से कितनी सीटें 2024 में उत्तर प्रदेश में? हम लोग हमेशा की तरह जब हम लोग सीट के लिए नहीं जीत के लिए काम करते हैं, आज इसका रिजल्ट आपको दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में जो भी हम लोगों को जिम्मेदारी मिलेगी उस पे हम लोग सिर्फ जीत के लिए काम करेंगे। तो निषाद पार्टी के आप प्रभारी के तौर पर काम कर रहे हैं, आप ये बताइए भोजन भरी थाली को क्या चाहते हैं, कितनी सीटें मिले उत्तर प्रदेश में, मतलब आपके सिंबल से कितने सांसद? हमने अभी कहा कि हम लोग जीत के लिए काम करते हैं, मोदी जी ने खुद ही कहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद ही कहा, हमारे राष्ट्रीय मन में इच्छा नहीं है 2 सीट 4 सीट कोई सांसद चला जाए आपकी पार्टी से, क्या क्या हो जाएगा? नहीं नहीं, मैंने वही कहा आपसे, आज के तारीख में भोजन भरी थाली ही कमल का फूल है, और कमल फूल ही जो है भोजन भरी थाली है, कोई कहीं से चला जाए कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी सवाल, अभी तक विधायक के तौर पर संकल्प की बात हो गई, आप प्रभारी के तौर पर संकल्प की बात हो गई, सरवन निषाद क्या संकल्प ले रहे हैं 2024 के लिए? इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर क्या संकल्प ले रहे हैं? हम लोग तो जनता की उम्मीदें हैं, उनके सेवक हैं, जनता हमें चुन के भेजती है एक वकील के रूप में, चाहे वो विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, वो एक वकील के रूप में भेजती है कि हमारी वकालत करेगा, हमारे दुख सुख में जो भी उनकी धरातल पे घरेलू समस्याएं हो, जो भी समस्याएं हो, उनकी वकालत करते हुए जो है उनकी समस्याओं का समाधान करेगा, यही हम लोगों का संकल्प रहता है, उसी पे हम लोग काम करते हैं। जब भी हम लोगों को अवसर मिलता है सदन में अपने गरीबों शोषितों वंचितों जिनका दुख दर्द हो उनकी आवाज हम लोग उठाते रहते हैं, उनके लिए हर समस्या का समाधान करते हैं, जनता यही चाहती है उनके बीच रहना, उनकी समस्याओं का हल करना। और निषाद पार्टी का मैं प्रदेश प्रभारी हूँ खासकर जो है, तो मुझे प्रदेश का दायित्व है, तो मैं प्रदेश भर का दायित्व निभाते हुए काम करता रहता हूँ। पर्सनल आइडेंटिटी बताइए, अपने लिए क्या संकल्प है, जीवन में क्या नया परिवर्तन करने वाले? सेवक का कोई दायित्व नहीं होता, बस उसका एक ही दायित्व होता है, जनता की सेवा करना, जो हम लोग कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो फिलहाल जनता की सेवा इनका दायित्व है और उसको ये करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। आप जुड़े रहिए बीपी लाइव के साथ।